नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चटपटी चटोरी रसोई में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पितृपक्ष थाली, जिसे हम श्राद्ध थाली भी कहते हैं। पितृपक्ष थाली हमें जो है बहुत ही श्रद्धा से और बहुत आदर से अपने पूर्वजों के लिए बनानी चाहिए। ये बिल्कुल सात्विक तरीके से बनानी चाहिए। इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज के भी खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, थाली में मैंने यहाँ पर ऐड किया है जीरा आलू, जीरा राइस, छोले, सेवइयों की खीर, नारियल के लड्डू, दही भल्ले और पूरी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। थाली की शुरुआत मैं मीठे से कर रही हूँ। मैं यहाँ पर नारियल के लड्डू बना रही हूँ। एक कप जो है नारियल के बुरादे में मैंने 2 बड़े चम्मच जो है मिल्क मेड, ये घर का बना हुआ कंडेंस्ड मिल्क है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था। यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने जो है 1/2 टेबल स्पून जो है मलाई इस्तेमाल की है। मलाई डालने से नारियल के लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए, इस तरह से बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसकी जो है छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और उसे लड्डू का शेप देंगे इस तरह से। इसे अच्छे से जो है हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने लड्डू बना लिए। इसी तरह सभी लड्डू रेडी कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो है 1 कप जो है उड़द की दाल को रात को भिगो दिया था और उसे जो है पीस लिया है। इसे जो है 1 से 2 चम्मच पानी मैंने इसमें ऐड किया है। पानी जितना कम हो सके उतना ही ऐड कीजिए। अब इसे जो है हम 7 से 8 मिनट के लिए लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे इस तरह से। ये देखिए, उससे जो है इसमें जो है हवा अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाती है। अब इसे हम ढक के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक ये सेट होता है तब तक हम रायता रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है, उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर और जीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज मेरे पास काला नमक नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। इसमें थोड़ा सा काला नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रायते में। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से दही में मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर जो है इस तरह की रेडीमेड बूंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं बूंदी रायता बना रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर का रायता बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी 5 मिनट के लिए हम जो है ढककर रेस्ट करने देंगे ताकि बूंदी नरम और सॉफ्ट हो जाए। अब हम जो है देख लेते हैं हमारा बैटर दही भल्ले वाला रेडी है। जी हाँ, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम जो है मैंने ऑलरेडी पैन एक रख दिया था उसमें ऑयल गर्म करने के लिए। अब हम अपने वड़े जो है रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम अपने भल्ले बना लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने फ्लेम हाई रखी है। हाई फ्लेम पर आप इसे जो है 4 से 5 मिनट कुक कीजिएगा। उसके बाद जो है फ्लेम मीडियम कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से हल्के हल्के जो है ऑयल इनके ऊपर हम इस तरह से डालेंगे, इस तरह से। जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए, ब्राउन हो जाए, तो हम इसे जो है पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। दोनों तरफ से जो है अच्छी तरह सिकने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी ऑयल को मैंने कम कर दिया है और इस ऑयल में हम जो है 2 लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा। जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तब हम इसमें जो है अदरक बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 कटोरी में मैंने जो लिया 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और जो है 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर जो लिया, उसे जो है हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पानी डालकर हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि हम जब इसे ऑयल में डालें तो मसाले जले नहीं। अब इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हम जो है अपनी टमाटो प्यूरीज, मैंने यहाँ पर जो है 3 बड़े टमाटर और 2 जो है हरी मिर्च को पीस लिया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे जो है 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। जब तक छोले रेडी हो रहे हैं तब तक हम चावल रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है 1 टेबल स्पून जो है ऑयल और 1 टीस्पून जो है इसमें जीरा ऐड किया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पर मैंने 1 ग्लास चावल जो है इसे धोकर ले लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
एक से दो मिनट चलाने के बाद यहाँ पर जो हम 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, 1 ग्लास के लिए जो है 2 ग्लास पानी इनफ है। इसे हम जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं 2 मिनट के लिए इसे एक प्लेट से ढककर रख दूंगी। उसके बाद मैं इसमें एक विसल लगवाऊंगी। एक विसल में ये बहुत अच्छे खिले खिले चावल रेडी हो जाते हैं। चलिए अब हम अपने छोलों को देख लेते हैं। ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम नरम हो गए हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से रेडी हुई है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टेज पर यहाँ पर जो है मैं 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून घर का बना हुआ छोले मसाला भी ऐड किया है, उसे मैं शूट करना भूल गई। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है 1/4 टीस्पून जो है कसूरी मेथी भी ऐड किया है। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हम अपने छोले ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट जो है मैं इसे हाई फ्लेम पर कुक करूँगी। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे हटा लेते हैं। इसी गैस पर हम जो है एक दूसरा पैन रखेंगे, उसमें जो है 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा। जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा, अच्छे से क्रैकल होने लगेगा, तब हम उसमें जो है बारीक कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है 1/2 टीस्पून जो हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर जो है इसे पकने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल रेडी हैं। इसमें जो है हम बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम जो है सेवइयों की खीर बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है 2 ग्लास दूध लिया है। उसे एक उबाल आने तक पकने देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर जो है मैं सेवइयों को ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो है एक हाफ जो है कटोरी जो है सेवई यूज़ की है। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये गर्म दूध में जाकर फूल जाती हैं। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स मैंने जो है दूध में चीनी ऑलरेडी पहले ही डाल दी थी 1/2 कटोरी। उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए 2 से 3 मिनट जो है अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके ऐड किए हैं। उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट जो है हम इसे और पकाएंगे। हमारी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी थी। अब हम जो है पूड़ियों के लिए आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने 1 कप जो है आटा, उसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून अजवाइन डाली है। इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हुए पूड़ियों का एक जो है डो रेडी कर लेंगे। पूड़ी के लिए हम जो है डो ऐसा लगाते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा सा हार्ड डो लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने जो है डो रेडी कर लिया है। अब हम जो है पूड़ियाँ बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है तेल ऑलरेडी गरम करने रख दिया था। उसे हम जो है गरम तेल में जो है पूड़ियों को ऐड करेंगे। तेल जो है अच्छा गरम होना चाहिए तभी हमारी पूड़ियाँ फूलेंगी। अगर तेल ठंडा होगा तो पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं। इस तरह से हल्के हाथ से जो है उसके ऊपर जो है इस तरह से तेल हम डालते रहेंगे बीच बीच में। एक साइड से ब्राउन होने के बाद हम दूसरी पूड़ी ऐड कर देंगे और इसे फ्लिप कर देंगे। इसी तरह से दूसरी पूड़ी को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए
हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म है इसलिए हमारी पूड़ियाँ बहुत फूली फूली और बहुत ब्राउन वाली बनी है। ये देखिए ये बहुत अच्छी बनी है। इस तरह से इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम जो है ऑयल इस तरह से डाल देंगे ताकि ऊपर से भी जो है हल्की ब्राउनी सी और क्रिस्पी सी हो सके। हमारी पूड़ी बिल्कुल रेडी है, चलिए हम सर्व कर लेते हैं थाली। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जो पितृपक्ष थाली है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारी थाली बहुत अच्छी बनी है। इसे आप बहुत कम समय में बहुत आसानी से बना सकते हैं और कभी कभी हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सकें तो हमें जो है ये ज़रूर बनाना चाहिए। ये बिल्कुल सात्विक तरीके से बनाया गया खाना है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।